हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम वेरिएबल्स और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। वेरिएबल्स वो है जो कि वेरीज करता है यानी बदलता रहता है और जिसको मापा जा सकता है यानी वो मेजरेबल है। और ये वेरिएबल्स ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है या एक ही पर्सन में ओवर टाइम चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल एज पर्सन टू पर्सन चेंज होती है और एक ही पर्सन में भी आज जो एज है वो महीनों या साल बाद अलग होती है। सो वेरिएबल्स वो है जो वेरीज या बदलती रहती है और जिसे मापा जा सकता है यानी मेजरेबल होता है। अब हम वेरिएबल्स के टाइप्स को जानेंगे और सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसे समझेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसमें रिसर्चर का कंट्रोल होता है। यहाँ पर कंट्रोल का ये मतलब है कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है यानी वो बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैन का हमें स्पीड बढ़ाना होगा तो हम डायरेक्टली फैन को जाकर नहीं घुमाएंगे बल्कि हम जो रेगुलेटर है उस पर काम करेंगे और जब हम रेगुलेटर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तब फैन की स्पीड कम होगी या बढ़ेगी। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक चीज को घटाने या बढ़ाने से एक दूसरे चीज पे इफेक्ट होती है। सो जिसको हम अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को घटाने या बढ़ाने से जिस पर इफेक्ट होगा उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं यानी इस फैन को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि किसी और पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर फैन डिपेंडेंट है रेगुलेटर पर। सो रेगुलेटर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये फैन हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल पूरी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अब हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या है उसे समझेंगे। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स उन एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस को कहते हैं जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को लिंक करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा रेगुलेटर को घटाने या बढ़ाने से उसका प्रभाव फैन पर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि केवल रेगुलेटर ही नहीं है जो कि फैन पर प्रभाव डाल रहा है बल्कि और कई सारी चीजें होती हैं जो कि इन दोनों के बीच काम कर रही होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज आदि। सो बीच में जो ये नॉन ऑब्जर्वेबल चीजें आती हैं जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होती है, इन सभी को ही इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहते हैं। सो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कॉज और इफेक्ट के बीच में आती है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स किसे कहते हैं उसे समझेंगे। एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि हमारे रिसर्च एनवायरनमेंट में ही होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर प्रभाव डाल रहे होते हैं। इन एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। और ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये हमारी पूरी रिसर्च को ही गलत कर सकती है। सो चलिए एक एग्जांपल के साथ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या है उसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिसर्च करें कि कैफीन के लेने से हमारे स्लीप पर कितनी प्रभाव पड़ती है। जैसा कि हमें पता है अगर हम कैफीन की मात्रा बढ़ा दें तो हमारी नींद कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या केवल कैफीन ही है जो कि हमारे नींद को प्रभावित करती है? नहीं, बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जो हमारी नींद को प्रभावित करती हैं, जैसे स्ट्रेस, वर्क, डाइट आदि। ये सारी चीजें भी हमारी नींद को प्रभावित कर रही होती है। सो इस पूरी रिसर्च में कैफीन हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्लीप हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जितनी भी सारी वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर प्रभाव डाल रही होती है उन सारी वेरिएबल्स को एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कहते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेस, वर्क और डाइट एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं। अब हम कंट्रोल वेरिएबल्स किसे कहते हैं
वो समझेंगे। कंट्रोल वेरिएबल्स उन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कहते हैं जिनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि हमारे रिसर्च में तो नहीं होते, लेकिन वो हमारे रिसर्च पर प्रभाव डाल रहे होते हैं, और उन्हें हमें कॉन्स्टेंट, न्यूट्रलाइज या बैलेंस रखना जरूरी है ताकि वो वेरिएबल्स हमारे दूसरे वेरिएबल्स पर प्रभाव नहीं डाल सके। क्योंकि इस तरह के वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन्हें हम ध्यान में रखते हैं, इसीलिए इस तरह के वेरिएबल्स को कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर है और उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है और इसीलिए उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम आ रहे हैं। सो उस टीचर को अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है और इसलिए वो कुछ रिसर्च करना चाहता है। और एक टीचर के पास दो मेन चीजें होती हैं, एक तो हो गई स्किल्स और दूसरा हो गया कंटेंट, और ये दोनों ही चीजें स्टूडेंट के मार्क्स पर प्रभाव डाल रही होती हैं। सो अगर वो टीचर अपने कंटेंट पर काम करना चाहता है तो उसे अपनी स्किल्स को कांस्टेंट रखना होगा और कंटेंट को बदलना होगा, और ये देखना होगा कि इसका प्रभाव स्टूडेंट्स के मार्क्स पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। सो क्योंकि वो टीचर अपने कंटेंट के ऊपर काम करके ये देखना चाहता है कि इसका प्रभाव उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स पर पड़ रहा है या नहीं, सो उसे अपनी स्किल्स को कांस्टेंट या कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी उसे एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि क्यों स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर वो स्किल्स और कंटेंट एक साथ बदल देगा और इससे अगर उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आ भी गए तो भी उसे कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे थे। सो कोई भी एक रिसर्च में जब भी हम किसी एक का प्रभाव जानने के लिए दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट या कंट्रोल करके रखते हैं तो उसे कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। सो यहाँ पर जब हम कंटेंट पर काम कर रहे होते हैं तो स्किल्स को हमें कंट्रोल करके रखना होता है, सो यहाँ पर स्किल्स हो गया कंट्रोल वेरिएबल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि कंट्रोल वेरिएबल्स क्या है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।